अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सोहेब, हाज़िर एक नई वीडियो के साथ। आज मैं मौजूद हूँ अपने एक 10 मरला की साइट पे और आज की जो हमारी वीडियो है वो है वेदर शीट के बारे में। कुछ लोग अपने घर के जो बाहर की दीवारें हैं वहाँ पे वेदर शीट करवाते हैं और कुछ लोग रॉक वॉल करवाते हैं। तो आज की जो हमारी वीडियो है वेदर शीट के बारे में है कि वेदर शीट की जो प्राइस है वो क्या चल रही है मार्केट में, इसके अलावा वेदर शीट कौन सी करनी चाहिए, किस कंपनी की करनी चाहिए, और ये जो हम कलर कर रहे हैं ये आप देख सकते हैं ये कौन सा कलर है और ये हमें एक बाल्टी कितने में मिल रही है। तो चलें स्टार्ट करते हैं और मुकम्मल तफसील आप लोगों को बताते हैं वेदर शील्ड के बारे में। तो अभी हम घर के अंदर भी जाते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं कि ये किस कंपनी की वेदर शील्ड हो रही है, अंदर वाली साइड पे हम कर रहे हैं और इसके अलावा बाकी भी आप लोगों के साथ इसकी जो मुकम्मल तफसील है वो शेयर करते हैं। ये जो हम बाहर कलर कर रहे हैं इस कलर का नाम है मैग्नोलिया, मैग्नोलिया कलर है ये, और ये आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत लुक दे रहा है। थोड़ा डार्क कलर है, आप इसको अपने डार्क टाइल के साथ ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं लाइट कलर की टाइल भी लगी हुई है फ्रंट पे और डार्क भी लगी हुई है, तो उसके साथ एक बहुत ही खूबसूरत लुक दे रहा है। और अगर आप लोगों को अपनी चॉइस के मुताबिक जो भी कलर पसंद हो वो आप करवा सकते हैं, लाइट करवाना हो लाइट करवा सकते हैं, डार्क करवाना हो डार्क करवा सकते हैं, कोई भी कलर आप देख सकते हैं। तो ये ब्लैक हॉर्स कंपनी की वेदर शील्ड है। वेदर शील्ड करवाने का फ़ायदा ये होता है कि आप वेदर शील्ड अगर वक्त गुजरने के साथ थोड़ी ख़राब हो जाती है तो आप थोड़ी सी बाज़ार से मंगवाएं और उसके ऊपर दोबारा आप कोट इजीली टचिंग भी कर सकते हैं वेदर शील्ड की, दोबारा ऊपर कोट भी एक करवाना चाहें तो आप करवा सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों को वेदर शील्ड का कलर दिखा देता हूँ, ये है जी कलर मैग्नोलिया कलर है ये। और इसके अलावा ये एक बाल्टी इसकी जो प्राइस अभी चल रही है ब्लैक हॉर्स की, ये 9000 रुपये की एक बाल्टी है, तकरीबन 20 किलो की ये एक बाल्टी होती है, बड़ी जो पेंट की बाल्टी है। तो ये बहुत ही खूबसूरत कलर है ये, अच्छा कलर है ये और लगा हुआ बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसके बरक्स अगर आप रॉक वाल में जाते हैं तो रॉक वाल जो वक़्त के साथ ख़राब हो जाती है, सेम से बुखड़ना शुरू हो जाती है और फिर वो सेम कलर है जो वो टचिंग उसकी अगर आप लोग करना चाहें तो वो होती नहीं है और मैच नहीं होती और वो बहुत ही अजीब लगती है। अगर आप वेदर शील्ड में जाते हैं तो इसकी आप टचिंग जब मर्ज़ी वहाँ से थोड़ी सी ख़राब हो तो आप ईज़िली ब्रश की मदद से वहाँ पर पेंट कर सकते हैं, जबकि रॉक वाल आप लोगों को कहीं से ख़राब होगी तो आप लोगों को पूरे घर की रॉक वाल दोबारा करवानी पड़ती है, क्योंकि फिर वो सेम अगर टचिंग करते हैं तो वो सेम कलर कभी भी मैच नहीं होता और टचिंग लगी हुई भी फील होती है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो वेदर शील्ड के ऊपर, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर खूबसूरती के लिहाज से जाएँ तो जो रॉक वाल है उसकी खूबसूरती बनिस्बत वेदर शील्ड के ज़्यादा होती है, लेकिन वेदर शील्ड की भी अपनी एक ग्रेस है, एक अपनी खूबसूरती है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें कि हमें जो नेक्स्ट वीडियो है वो किस टॉपिक पर बनानी चाहिए। और वीडियो को लाइक कर दें, आप लोगों के नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा उसके ऊपर लिखा होगा सब्सक्राइब, तो आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, मोबाइल के ऊपर लिखा होगा सब्सक्राइब, ताकि हर आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। तो ये एक 10 मरला की साइट है खूबसूरत फ्रंट एलिवेशन के साथ, बहुत ही ज़बरदस्त। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।